अपने किसान का बैकग्राउंड और खेतीबाड़ी की पढ़ाई और उसमें नौकरी करने के बाद ये समझ में आया कि दो काम ऐसा है, वेस्ट टू वेल्थ और सॉइल टू ऑयल, जिस पर पूरी तरह से मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपॉर्चुनिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग 40% से ज़्यादा ज़मीन अपलैंड एंड वेस्टलैंड है। अगर मिडिल लैंड भी है तो पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो कोई एक ऐसा फसल किया जाए जिसमें पानी कम लगे, एनिमल ग्रेजिंग का एक इशू उसमें कम हो, रेगुलर इनकम हो किसान को, पेस्ट डिजीज रोग कम से कम लगे और वो तेल को, उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक रख सके। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा किसान को अट्रैक्ट करता है, हम लोग को अट्रैक्ट करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन कम से कम हो। ये सब को देखते हुए ज़मीन ज़्यादा हमारे गया, औरंगाबाद अगल बगल का अपलैंड वेस्टलैंड बहुत था, तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने सब मिलकर डिसाइड किया कि पूरा मिट्टी से लेकर बाजार तक का सॉइल टू वाइल तेल निकालते हुए पूरा प्रक्रिया किया जाए। उस कड़ी में 2015 के लगभग मैंने हमने 40 एकड़ ज़मीन लीज पर लिया और अलग अलग औषधीय और सुगंधित खेती की शुरुआत की, जिसमें मेंथा था, खस था, लेमन ग्रास था, पामारोजा था, ये सब फसल औषधीय और सुगंधित खेती में आते हैं। इस सारा खेती के बाद दो फसल ऐसा निकला, एक हुआ लेमन ग्रास, दूसरा मेंथॉल। मेंथॉल तो जहाँ पानी का सुविधा बढ़िया है उस किसान ने ज़बरदस्त पिकअप किए और हमारे औरंगाबाद और गया में इसकी खेती लगभग 400 से 500 एकड़ में हो रहा है। लेमन ग्रास की खेती थोड़ा सा 5 साल का फसल था, इसलिए कॉस्ट पौधे के कुछ कॉस्ट ज़्यादा था, तो सरकार के कृषि विभाग और जिलाधिकारी महोदय के संपर्क से आने के बाद एक खेती में लागत कम करने के लिए किसानों को सहयोग करके आज 100 एकड़ से ज़्यादा खेती हमारे लेमन ग्रास के गया में 5 ब्लॉक में हो रहे हैं। कहाँ खेती छोटा सा था, हम लोग लगभग 10-11 महीना पहले लेमन ग्रास की खेती समूह में लगभग हम लोग 8 किसान इसमें हैं। 8 किसान का ज़मीन सब एक ही जगह हम लोग को है, इसी ज़मीन पर हम लोग खेती को किए हैं। जब हम लोग शुरुआत किए थे उसके पहले एक राजेश कुमार और रजनी भूषण सर हैं, हम लोग फेडरेशन में मीटिंग में थे, बैठे हुए थे, उसी समय लेमन ग्रास का चर्चा निकाले थे। हमने कहा कि लेमन ग्रास खेती हम लोग भी करेंगे, यानी कि ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा सहयोग दिए हैं, वो फॉरेस्ट संस्था के द्वारा हम लोग को सहयोग मिला है, उसमें राजेश सर और रजनी भूषण सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और उसके बाद जिला पदाधिकारी गया, कृषि पदाधिकारी गया, दोनों ने हम लोग को इस खेती में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। यहाँ पटवन के लिए, सिंचाई के लिए बोरिंग कर दिया गया है, तेल निकाल कर इसको हम लोग बिक्री भी कर दिए हैं और हम फिर तेल निकालने के लिए तैयार हैं। 2-4 दिनों में हम लोग तेल निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग बराबर करते जा रहे हैं और 3 महीने पर इसको कटनी किया जाता है। एक किसान क्यों ये फसल को करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार लगाए इसको 5 साल तक चलता रहा, हर एक 3 महीना के बाद ये कटने के बाद तेल इसकी निकलती है। तो ये पूरे प्रक्रिया में पानी न के बराबर लगता है, वर्षा आधारित खेती होता है। किसान एक बार लगाया, 5 साल तक कैश फ्लो उसका हर पैसा आते जा रहा है। अगल बगल के जंगली जानवर, जो टाँड जमीन अगल बगल जहाँ झमले के नज़दीक है, या फिर अपना घरेलू जानवर भी इसको कुछ नहीं कर पाते हैं, रोग बिल्कुल नहीं लगता है। आज फसल एक एक एकड़ से उस टाँड जमीन में 50,000 से लेकर 80,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर दे रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। ये फसल आने वाला समय में हजारों लाखों एकड़ में जा सकता है। एक सोच कृषि विभाग और हम लोग मिलकर डिसाइड किया, तो ये सॉइल टू वाइल को पूरे लेवल में आगे बढ़ाएंगे। राजेश यान जी आए, रजी भूषण सर भी आए, तो बोले कि से आप ऐसा खेती कीजिएगा, तो हस्बैंड बोले कि से हाँ से करेंगे, आप समझा दीजिएगा तो हम खेती करेंगे, घर जाएंगे तो सलाह लेंगे, हम लोग का पार्टनर हैं, सब लोग से पूछेंगे, तो सबसे बातचीत किए तो उन लोग बोले कि से हाँ हम लोग करेंगे, ऐसा खेती है तो पड़ती रहता है ना, तो हम लोग करेंगे। तो ये सलाह करके राजेश सर से बात किए, तो भेज दिए वहाँ से 2 पिकअप, तो सब मिलजुल के और हम लोग सब अपने से पौधा लगाए। तो उसके बाद में फिर सिंचाई के फिर मौका आया, तो उसे
साधन नहीं था हम लोग के पटाने के लिए, तो कुछ पौधा मर भी गया था। तब फिर सब मिल के उनको बोले भूषण सर के, तब बोले कि से हाँ हम लोग देंगे मशीन, आप लोग कुछ मदद कीजिएगा। तो वह में हम लोग सब मिल के ऑटो पार्टनर मदद किए, तो वह फिर बोरिंग वोरिंग हुआ, और बाद में फिर सिंचाई भी शुरू हुआ। उसको बाद में फिर तैयार हुआ था, दो बार कटाया भी, तेल भी पेराया, तेल फिर बिका पटना जाके, तीन को मिल के जाकर बेचे भी। अब लोग सोच रहे हैं कि तब परिते रहता है, जैसल होवे हम लोग इसको करेंगे, 5 साल तक इसको खेती हम लोग करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में हर एक साल इसका ग्रोथ डिमांड का 16% प्लस है, मतलब प्रोडक्शन होना और डिमांड में इतना तेजी से डिमांड का ज़्यादा है कि प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम है। तो एक खेती में इंटरक्रॉप में हॉर्टिकल्चर या बाकी जो फलदार पेड़ हैं या फिर और एग्रोफॉरेस्ट्री जो जंगली पेड़ भी लगा सकते हैं, तो ये फसल को हम लोग बढ़िया तरीक़ा से प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे बाँके बाज़ार में बाराचट्टी, कोंच, गुरुआ में 20-20 एकड़ का क्लस्टर लगभग 70-80 किसान के बीच में पिछला साल लगा है, और मेंथॉल 400-500 किसान के बीच में लगा है। तो गया में हम बोल सकते हैं, मगध के इलाके में हम सॉइल टू वाइल कंसेप्ट को आप लोग के माध्यम से और हम लोग की कोशिश से और महिलाएं और पुरुष के कोशिश से खेती करके एक प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं।